हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप गूगल फाइल्स में एक सेव फोल्डर नाम का एक फोल्डर होता है, उसमें आप अपने फोटो या वीडियो को छुपा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप उसके पासवर्ड भूल जाते हो और उसके लॉक को तोड़ने के लिए आप काफ़ी प्रयास करते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो गूगल का फाइल का जो सेव फोल्डर का ऑप्शन है, उसका लॉक आप कैसे तोड़ोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, सबसे पहले मैं उसे आपके सामने स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप सामने से देख भी सको कि कैसे सेव फोल्डर का लॉक तोड़ा जाता है। तो यहां जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मैंने उसे स्टार्ट कर दिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी मेरी मोबाइल की स्क्रीन। अब सीधे हम चलेंगे, जो फाइल है उसे हम ओपन कर लेते हैं यहां पे। तो ये फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, फाइल ओपन हो चुकी है, आप देख सकती हो। ये गूगल की फाइल है, गूगल का फाइल ऐप है। तो यहाँ पर ये अब ये जो फाइल है, ये आप जितने भी आ रहे हैं फ़ोन, उस सभी में ये फाइल आ रही है, फाइल वाले ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेव फोल्डर होता है, इसमें आप फोटो वीडियो जो भी चाहें वो छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेव फोल्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इसके पासवर्ड भूल गए, उसके पासवर्ड को तोड़ना चाहते हो, इसे अनलॉक करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे ही सेव फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद है तभी आप इसे ओपन कर पाओगे, अन्यथा इसे आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो आपको बैक आ जाना है पासवर्ड तोड़ने के लिए। इसको आपको क्या करना है, ऊपर कोने में 3 लाइन का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, फिर आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव फोल्डर का, सेव फोल्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिसेट सेव फोल्डर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर लास्ट में रिसेट सेव फोल्डर, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर देखिए, क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप इसका लॉक तोड़ते हो तो आपका जितना भी उसमें, अगर आपने फ़ोटो वीडियो सेव करके रखा है, छुपा के रखा है उसमें, तो वो सभी के सभी परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आप उसे दोबारा फिर कभी वापस नहीं ला पाओगे। तो यही, अगर आप इसे अगर आप इसे लॉक को तोड़ना चाहते हो तो जितने भी आपने उसमें सेव फोल्डर में फ़ोटो वीडियो छुपा के रखे हैं, वो फ़ोटो वीडियो सभी के सभी वहाँ से डिलीट हो जाएंगे लॉक तोड़ते ही। वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसे किसी और प्रकार से लॉक को तोड़ो और जो आपका फ़ोटो वीडियो उसमें है वो सभी के सभी आपका बच जाए। यही एक ऑप्शन है कि आप उसके लॉक को तोड़ के एक न्यू पासवर्ड बना के फिर से उसमें फ़ोटो वीडियो छुपा सकते हो। तो अगर आप फ़ोटो वीडियो का कोई भी वो नहीं, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप फ़ोटो वीडियो छुपाए हो, तो लॉक को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, जैसे ही रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जो आपका सेव फोल्डर है वो अनलॉक हो जाएगा। वो उसका जो पासवर्ड है वो टूट चुका है वहाँ से, इसी तरह से आप उसके लॉक को तोड़ सकते हो। अब बैक आ जाएंगे, बैक आ जाने के बाद यहाँ पर सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे। सेव फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बोला जा रहा है एक नया पासवर्ड क्रिएट करिए। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड या पैटर्न दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हो तो पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड बना के फिर से आप इसमें फ़ोटो वीडियो छुपा सकते हो। छुपाने से पहले आप जो पासवर्ड बनाया उसे अच्छे से याद रखिएगा या कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे फिर कभी आप भूल गए तो दोबारा अगर आप लॉक तोड़ोगे तो जितने भी फ़ोटो वीडियो रहेंगे वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।